क्या क्या बना सकते हैं आप देख सकते हैं। हम इसकी सब्जी भी बना सकते हैं, ताकि हम भाजी भी बना सकते हैं। यहाँ से कट करके इसको हम सलाद में यूज कर लेंगे, एंड इसको हम कट कर करके इसकी भाजी बना लेंगे। डबल जगह ये हमारे यूज हो जाएगी, एंड आप चाहें तो इसको भी कट कर करके इसके साथ में शामिल कर लें, एंड इसके साथ भी इसको भाजी बना लें। लेकिन अब हम चाहेंगे, क्योंकि हमें सलाद में बहुत पसंद है मूली, तो हम सलाद में मूली ले लेंगे एंड इसकी भाजी बना लेंगे। भाजी से बहुत ही, क्योंकि हरी सब्जियाँ खून बनाने में बहुत अच्छी होती है, और हम इसको खाएंगे तो बहुत ही अच्छे से। क्योंकि फिर बस मैंने ऐसे ही लगा दी थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ किस तरह से मुझे लगाया था। नर्सरी वाली जो मिट्टी होती है एंड सैंड होती है एंड फर्टिलाइजर होता है, हमें उसी को मैंने बना मिला के इसमें सीड्स लगा दिए थे। इसी तरह से फिर बारी बारी से मैंने इसमें उगाई थी, हल्के हल्के से उसको पानी भी टाइम टू टाइम दिया था। भाजी बना लेंगे, सब्जी हमारे लिए एक बहुत हो जाएगी, वो भी फायदा होता है कुछ उगाने का। आप इस तरह से हम इसको सब्जी में बहुत अच्छे से काम ले सकते हैं। प्यारी प्यारी